मनमोहन, उस दिन मैं तेरी दुकान पे आया था ना, वहां पर पीएम की कुर्सी देखी थी। ए नहीं 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 यार, वो तो मोदी ने फिक्स कर ली। मैं क्या पूछ रहा हूँ, तू क्या बोल रहा है? डेली डेली तेरा दिमाग ढीला होता जा रहा है क्या? मोदी से पंगा लेगा? अबे चुप राहुल। स्वच्छ भारत देख, मैं तुझे बोल रहा हूँ, आज की स्पीच अच्छे से रट्टा मार ले। वेरी गुड। क्यों नहीं पढ़ूंगा? मतलब नहीं पढ़ूंगा, बोला था नहीं पढ़ूंगा। प्रणाम महाराज। महाराज चौकीदार को डांटे। महामेला फिसल गया सर। नहीं, अपना भला करने से पहले देश का भला कर ले। मेरी पार्टी है, मैं जो करूंगा करूंगा। कांग्रेस इज लूजिंग 85-83% ऑफ द सीट्स वेयर राहुल गांधी वेंट एंड कैंपेन्ड हिमसेल्फ। द कांग्रेस इज लूजिंग ऑन 80। तुम्हारा नाम क्या है? राहुल। राहुल ये कोई ऐसी वैसी कुर्सी नहीं है, प्राइम मिनिस्टर की कुर्सी। टीवी पे वो क्या देख रहे हो? चलो बेख्याली में राजीव गांधी गांधी बिछड़ना है जरूरी, ये सवाल ऐसे ही करते रहा ना तो फिर इस बार मोदी सरकार। अगर मैं पीएम नहीं बना ना तो आई विल बी द मोस्ट फकिंग अफेक्टेड, यू अंडरस्टैंड? मुझे पीएम बनना है। तेरे बेमिसाल आए। अच्छा तो राहुल बड़े होकर क्या बनोगे? इंडियाज प्राइम मिनिस्टर मैम। क्यों ख्वाब तोड़ दूं? पीएम बनने के लिए ना मैं कुछ भी कर सकता हूँ, लेकिन अमेठी के लिए मेरे अंदर जितना पागलपन है ना, अमेठी की हार मुझसे बर्दाश्त नहीं होगी। राहुल नहीं, राहुल नहीं। लाइफ में एक टाइम ऐसा आता है जब लोग आपको बोलते हैं, तब बंद कर देना चाहिए ये सब, नहीं तो ये बंदा क्या? प्राइम मिनिस्टर बनके क्या करोगे राहुल? ऐसी मशीन लगाऊंगा, इस साइड से आलू डलेगा, उस साइड से सोना निकलेगा।